मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल है, हर तरफ सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। नुक्कड़ से लेकर चौक चौराहों तक चाय की चुस्की के साथ चुनावी मंथन हो रहा है। शह और मात के इस चुनावी समर में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा या फिर किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, आप भी देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट चुनाव की चुस्की में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के खास सेगमेंट चुनावी चुस्की में बहुत स्वागत करता हूं आपका। चुनावी चुस्की, आप सोच रहे होंगे कि चुनावी चुस्की होता क्या है। दरअसल चुस्की तो चाय की होती है, लेकिन हमारे देश में जब सुबह सुबह चाय पी जाती है तो चाय के साथ चर्चा होती है देश दुनिया और तमाम समस्याओं और बातों की। चर्चाएँ घरों में लोग करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में करते हैं, चाय की चुस्की के साथ करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चाय की चुस्की में हम भी शामिल हो जाएं और चाय की चुस्की के साथ साथ थोड़ी चुनावी बातें भी कर लें, तो ये चुनावी चुस्की हो जाएगी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में क्या आपको लग रहा है, खासकर आप राजधानी में खड़े हैं, क्या लग रहा है राजधानी में? थोड़ी महीने में हम चुनाव में जाने वाले हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ चुनावी माहौल है? पूरा है, चुनावी माहौल पूरा है और भाजपा जरूर आई। अच्छा, हाँ राज्य मतलब यहाँ आप क्या पार्टी के किसी? नहीं पार्टी के नहीं, मैं लोकल हूँ। इस शंकर नगर में कांग्रेस का कार्यालय है, पूरा मंत्री होकर बावजूद दिन भर ट्रैफिक जाम, शाम को 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा लगते हैं पार करने में। जो अपना कार्यालय अपना घर के सामने ट्रैफिक नहीं संभाल सकता, वो क्या राज्य संभाले। चलिए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या। हाँ, और पूरा फुटपाथ में पूरा सब अवैध कब्जा, पूरा हर जगह पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, पूरा रोड गड्ढा। भाई साहब से भी बात करते हैं। सर क्या लग रहा है आपको, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या होना चाहिए राजधानी में, क्या माहौल लग रहा है? क्या बताएं सर, आप लोग तो सब जानते ही है हर जगह जाके। नहीं, आप आम आदमी हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या राजधानी में होना चाहिए? कांग्रेस से जो पालन में है ना, पूरा झूठ बात है इन लोगों का। अच्छा, टोटली झूठ बात है। करते एक है, करने का काम दूसरा काम है इन लोगों का। ऐसा काम अच्छे नहीं लगते है ना। क्या दिक्कतें हैं? हर चीज़ का दिक्कत है, क्या चीज़ का बताए सर। हम ठेकेदारी काम करते हैं, हमको रेंट से बिल नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ बारिश में हमारा टेंडर खुलता है, काम करने के पाते है, और टेंडर का काम शुरुआत करेंगे बोलेगा ना, तो उसके बाद फिर आचार संहित लग जाएगा अभी। अच्छा, क्या कर पाएंगे हम लोग। चलिए, इनकी अपनी समस्या यहाँ पर है। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, राजधानी में हम खड़े हैं, आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। क्या लग रहा है राजधानी में, क्या कुछ होना चाहिए, चुनावी माहौल है पहले लग रहा है, क्या चुनाव का माहौल बन रहा है? देखिए, अभी तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल बन चुका है। और मैं तो राजधानी से नहीं हूँ, बाहर से हूँ, लेकिन ओवरऑल जो मेरे को समझ में आ रहा है, इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है। अच्छा। और इस बार निस्संदेह कांग्रेस की फिर सरकार बन रही है। कुछ लोग बोल रहे थे बहुत सारी दिक्कत है कुछ। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं या छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो होते रहती हैं, लेकिन अगर बड़े स्केल पे आप देखेंगे तो इस प्रदेश में 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और बनस्पत ये जो भूपेश बघेल जी की सरकार रही है, उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा काम किया है। चाहे वो शिक्षा के ऊपर ही हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे यहाँ की जो भी छोटी छोटी समस्याएँ हैं, उन्होंने जिस प्रकार से लार्ज स्केल पर, चाहे आत्मानंद स्कूल हो गया यहाँ पर, जैसे पूरे प्रदेश में एक जिले का एक बहुत बड़ा माहौल था, उस जिले में उन्होंने बनाया, चार चार मेडिकल कॉलेज खोले, आत्मानंद स्कूल खोला, यहाँ पर जो मितानिन बहनें थी उनका जो अपने यहाँ पर उनका मानदेय बढ़ाया, ऐसे करके लगभग हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। क्या लग रहा है राजधानी में, क्या विकास हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं तो यही फील कर रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार 15 साल के बाद हमको ऐसा लगा है कि हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में है। छत्तीसगढ़िया कल्चर की बात हो, 15 साल पहले ना हमारा राजगीत था, ना हमारे 30 त्योहारों को जाना जाता था। आज के डेट में ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी छत्तीसगढ़ को लोग जानते हैं, यहाँ के कल्चर को जानते हैं, हरेली को जानते हैं, तीजा को जानते हैं, पोरा जैसे त्यौहार को जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनका छुट्टी। तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं आपको लगता है? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। ये पसंद वोट में बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। चलिए, वोट में बदलेगी इनका मानना, छत्तीसगढ़िया कल्चर इनको बहुत पसंद आ रहा। कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, यूथ है आप लोग, युवाओं के लहजे से या युवाओं के आप लोगों के एंगल से क्या लगता है कि आप राजधानी में रह रहे हैं, कितनी ग्रोथ आप लोगों को हो रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है? राजधानी में विकास तो जैसा हो रहा है चल रहा है, लेकिन
ये सरकार से ये अपेक्षा थी कि समय के हिसाब से आईटी सेक्टर और यूथ के लिए जो रोजगार के लिए जो डेवलपमेंट है इन्हें ये करने चाहिए थे। नया रायपुर में बहुत सारे जो आईटी सेक्टर के लिए इन्होंने जगह वगैरह बना के रखी थी उसे डेवलप कर रहा था, जो कि अभी पिछले 5 साल से एकदम डब थे। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ के जो युवा है ये यहाँ से बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव वहाँ जाके काम करने के लिए मजबूर है और एक हायर स्टडीज़ के लिए भी इन्हें यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट और डेवलप करने चाहिए। आत्मनंद तो ठीक है लेकिन कॉलेज और इसके लिए भी कैसे डेवलप करना चाहिए जिससे लोग और युवा यहीं पर रह के पढ़ाई और नौकरी यहाँ पर कर सकें। चलिए, युवा यहाँ पर नौकरी कर सकें, युवाओं की ये डिमांड है। आप क्या स्टूडेंट हैं जी? क्या आपको लग रहा है यहाँ पर राजधानी में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं या आप क्या और कुछ चाह रहे हैं यूथ के दृष्टिकोण से? यूथ के दृष्टिकोण से तो ऐसा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं लेकिन उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जैसे PSC की परीक्षा थी उसमें फर्जीवाड़े की बात आई है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। थोड़ा ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। एक बड़ी चीज़ थी कि फीस माफ़ी वाली बात है, देखिए फीस अब एग्ज़ाम में नहीं लगता, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है? जी जी बिल्कुल, सबको हो रहा है। व्यापम और CGPSC की परीक्षाओं में पूरा निःशुल्क हो गया है सभी युवाओं के लिए, और जैसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है लेकिन जैसे वो कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही दिया जा रहा है तो उसका थोड़ा दायरा और बढ़ाना चाहिए बेरोजगारी भत्ते का यहाँ पर इनका मानना है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। राजधानी में क्या लग रहा है आपको? चुनाव आने वाला पता है? जी भैया पता है। क्या लग रहा है आप यूथ लग रहे हैं यहाँ पर चुनावी एंगल से, क्या माहौल दिख रहा है? भाजपा की सरकार आएगी भैया। अच्छा, क्यों ऐसा क्या लग रहा है राजधानी में, क्या विकास को लेकर? विकास के नाम पे तो देखिए जगह जगह पानी भरे हुए हैं, तो विकास इन्होंने किस चीज़ का किया है? भाई साहब चुनाव आने वाले आपको लग रहा है पता है यहाँ पे? हाँ चुनाव पता है ना। क्या माहौल लग रहा है कि आप राजधानी में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अच्छा ही है, क्या दिक्कतें फील कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है और होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, मतलब आप खुद देख सकते हैं सामने का रोड देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ है। कोई ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉपरली ढंग से, कहीं पे भी कुछ भी अच्छा सुविधा नहीं है। बस इलेक्शन से पहले अभी सब कुछ हो रहा है, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं है। पहली बार के एक वोटर ही हैं। चलिए बड़ी अच्छा आपसे मुलाकात यहाँ पर हो गई। क्या सोचता है युवा, क्या आपके जो आइडियोलॉजी का है कि सपनों का शहर या राजधानी कैसी होनी चाहिए, क्या लगता है? मेरे ख्याल से राजधानी तो पहली बात अच्छी ही है, पहले इसे बेहतर होती जा रही है। हालांकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जा सकता है जो कि बहुत बहुत समय से बहुत पिछला पहले टाइप का रहा है, थोड़ा सा एडवांस हो सकता है जो कि हो भी रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा सा एडुकेशन सेक्टर में भी काम किया जाना चाहिए। कैसन काम कर रहे थे सरकार? क्या काम कर रहे हैं? अपना पेट रिक्शा चला के पा रहे हैं सरकार। हाँ। क्या काम है? कहाँ के रहने वाला है? सड्डू में। अच्छा, रायपुर में क्या लगे थे विकास के कैसे बढ़िया ना होते? ये तो ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं काका, ठीक कर रहे थे। ये तो ठीक धीरेज लोग BJP वाले लोग बना के पलुआ जोलुआ कर दिए, ये सुधार दिया बेचारा। आपसे बात करना चाहूँगा, चुनाव आ रहा है सर छत्तीसगढ़ में, क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल बन रहा है? बहुत बढ़िया बन रहा है। आप राजधानी के हैं? मैं राजधानी छत्तीसगढ़ का हूँ, राजधानी शक्ति का हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में विकास कितनी तेजी से हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं और सरकार से? उम्मीद जो है वो पूरा हो रहा है। पूरी है? हाँ, विकास भी हो रहा है, अच्छी चीज हो रहा है। क्या सबसे बढ़िया काम लगता है? अच्छा काम लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है इनको। इन भाई साहब से भी बात करते हैं। सर कैमरे की तरफ देख लीजिए, चुनावी चुस्की में न्यूज़ 18 के हम आपके साथ बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बन गया है? चुनावी माहौल तो चल ही रहा है भैया, काफ़ी टाइम से चल रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या लग रहा है, क्या काम हो रहा है, विकास कैसा हो रहा है? नहीं, विकास तो हो ही रहा है भैया छत्तीसगढ़ में, सब तरफ जो है किसानों का विकास हो रहा है, सड़कों का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, सब तरफ विकास अच्छा हो रहा है। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है आपको? अब सड़कों का काम अच्छा हुआ है, किसानों के लिए भी काम अच्छा हो ही रहा है, चावल धान सब चीज़ के लिए भी रेट बढ़ाई है गवर्नमेंट, तो उनको फायदा हो ही रहा है। एटलीस्ट सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है आप? एम्प्लॉयमेंट, यूथ, मतलब लोग अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं। अगर आप वो लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे तो देखेंगे DD नगर या और भी आसपास के एरियाज़ में बहुत तैयारी कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट वैसा आ नहीं रहा। पहले कोविड आया तो कोविड के नाम पर चीज़ें रुक गई,
अब कोविड गए हुए भी 2 साल होने को है, बट ऐसा सच कुछ दिखता नहीं। सबसे अच्छा काम क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो हुआ है अब थोड़ा संतुष्ट है? किसानों के लिए थोड़ा हुआ है, क्योंकि वाकई में उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कर तो रही है। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं आए हुए हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप लोग राजधानी के हैं? जी। चुनाव आने वाला है, आप लोगों को है अंदाज़ा? हाँ है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल बनने लगा है, किस तरीके का काम हो रहा है, कितने संतुष्ट हैं या क्या कुछ चाह रहे हैं? और काम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, मतलब डेवलपमेंट दिखता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, रोड दिख रहे बनते हुए, नाली का काम हर जगह चल रहा है, तो काम तो अच्छा चल रहा है लग रहा है। सबसे अच्छा काम क्या लग रहा है आपको, आपकी नज़र में आपको लगा कि नहीं बढ़िया हो गया? सबसे अच्छा लगा मुझे एक्सप्रेस वे बन चुका है, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है रेलवे स्टेशन जाने में, एयरपोर्ट जाने में, तो सबसे अच्छा काम मुझे वही लगा। हमारे साथ एक और सर, सर छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है चुनावी माहौल बनने लगा है? छत्तीसगढ़ में तेज़ी से चुनावी माहौल बन रहा है, कल ही अब विधानसभा सत्र में आरोप प्रत्यारोप जारी हुआ है, आज एक बड़ी बैठक है भाजपा की, कांग्रेस की आज से एक रणनीति तय होने वाली, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बड़े नेता आए, दौरा किए और बड़े कार्यक्रम तय कर रहे हैं, किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है वो दिख रहा है, तो चुनाव का माहौल धीरे धीरे लोग गली तक पहुँच रही है, वॉल राइटिंग शुरू हो गया है, अब अपना पक्ष जो रखने के लिए जो टिकट के दावेदार हैं वो गांव-गांव में बैठ रहे हैं, भाजपा टिफिन के जरिए गांव तक मंडल तक पहुंच रही है, कांग्रेस अपने युवा वर्ग को खड़े कर रहे हैं, अभी युवा संवाद चर्चा शुरू हो रही है, ऐसे जनता को लुभाने के लिए नेता तो कोशिश कर रहे हैं, पर जनता के बीच क्या लग रहा है, क्या जनता मंथन करना चालू कर दी है? जनता भी देख रही है कि सरकार किस तरह से उनके हितों में काम की है, हितों में मतलब जब किसान है तो किसानों के लिए क्या काम किया, युवा बेरोजगारों के लिए काम किया, जैसे व्यापारी है तो ये व्यापारी सोच रहा है कि मेरे लिए क्या फ़ायदा वर्ग काम किया, नगर निगम क्षेत्र में सफाई, पानी, बिजली, नियमितीकरण, ऐसे कई ऐसे काम हुए कि नहीं हुए, और जनता को जो सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे जैसे ही चुनाव करीब आता है, अनेक कर्मचारी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते, तो इस समय छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे संगठन सक्रिय हो रहे हैं राजधानी रायपुर से लेकर नया रायपुर। अगर हम शहर की बात करें राजधानी की, तो क्या मुद्दे यहाँ पे लगता है आपको काम कर रहे हैं? देखिए, शहर में पानी, बिजली, सड़क, यातायात, पेयजल, ये बड़े मुद्दे होते हैं, जो सुविधाएं हो, खासकर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहता है कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो अपराध तो बढ़ तो नहीं रही है, बाहर के अपराधी आके यहाँ पर खुलेआम बदमाशी तो नहीं कर रहे, ये आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की, बहुत सारे लोग हैं उनसे चर्चा की है, और इस चर्चा के बाद मिली जुली प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं, कुछ समस्याएँ लोगों को लगी यहाँ पर जो उनको पसंद नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोगों को बहुत से काम अच्छे लगे हैं, कुछ को छत्तीसगढ़ी संस्कृति बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों को यहाँ के डेवलपमेंट जैसे भाई साहब बता रहे थे एक्सप्रेस वे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी मिली जुली प्रतिक्रियाएँ राजधानी वासियों की हैं। तो चुनावी चुस्की में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर चुनावी चर्चा हम करेंगे चुनावी चुस्की के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनाव के मोड में भाजपा हमेशा होती है। 7 प्रभारी मध्य प्रदेश में चुनाव के बन गए हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन है और या कोई कॉन्ट्रडिक्शन। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहां पर वो सीटें हारे थे। उनकी दौरा जहां जहां होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बने। कांग्रेस केवल माइंड गेम खेल रही है। सिंधिया जी के समर्थकों को आपने कहा था कि विभीषण थे वो हमारे साथ आ गए इसलिए हमको फायदा हो गया। वो क्यों आए? धर्म यहाँ है, मानकर आए। भाजपा में बहुत सारे हिस्से हो गए हैं। नाराज भाजपा भी हमारा है, शिवराज भाजपा भी हमारा है, महाराज भाजपा भी हमारा है। अब की बार 200 पार सुनामी, भाजपा सुनामी। सीएम का चेहरा घोषित करेंगे? वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में हमारे पास मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं।